एट देखिए क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग रिलेशन एज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, हमें ऑर्डर पेयर के सेट में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, एंड फाइंड विच ऑफ देम आर फंक्शन। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर, यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पास यहाँ कैसे दिया हुआ है यह रिलेशन सेट के फॉर्म में, इसका एलिमेंट है ऑर्डर पेयर एक्स वाई के फॉर्म में और वाई इक्वल टू में है थ्री एक्स, एक्स बिलोंग करता है इस सेट वन टू थ्री से, इसके एलिमेंट वन टू थ्री है, और वाई बिलोंग करता है एक सेट दिया जिसका एलिमेंट थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व है, ठीक है। तो हमें इसे लिखना है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इस रिलेशन को। तो आप देखो यहाँ पर एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बिलोंग कर रहा है आपके वन टू थ्री से, और हमारे पास y इक्वल टू में क्या है थ्री एक्स दिया है, तो आप यहाँ से x इक्वल टू वन ले लो इससे एक एलिमेंट, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा थ्री इंटू वन यानी कि थ्री, और थ्री बिलोंग कर रहा है ना आपके y से, बिलोंग कर रहा है। अच्छा दूसरा देखिए, x इक्वल टू में मैं यहाँ टू ले लेता हूँ, तो y इक्वल टू आ जाएगा थ्री इंटू टू यानी कि सिक्स, सिक्स बिलोंग कर रहा है ना आपके y में, इसमें है x इक्वल टू अगला एलिमेंट हम लोग लेते हैं थ्री, तो y इक्वल टू आ जाएगा थ्री इंटू थ्री यानी कि नाइन, और नाइन बिलोंग कर रहा है ना y में, बिल्कुल कर रहा है y में बिलोंग, देख रहे हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिलेशन r जो है, रिलेशन जो है वह क्या हो गया ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, यहाँ पे देखिए वन थ्री टू सिक्स थ्री नाइन, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। आप कहोगे कि कैसे सर, तो फंक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए कि सेट जो दिया होना चाहिए नॉन एम्प्टी होना चाहिए, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, इसके हर एक एलिमेंट का इसमें इमेज है वन टू थ्री, हर एक एलिमेंट का इसमें इमेज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, और किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज हमें इसमें नहीं देखने को मिल रहा है, किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये आपका फंक्शन हुआ ना जी, बिल्कुल फंक्शन हुआ, तो ये रिलेशन जो है आपका फंक्शन है। चलिए अब